नमस्कार, सांदा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, कई खाली पदों पर भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती के लिए अनुमति जारी करने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। गृह राजस्व विभाग खाद्य विभाग में भर्ती होनी है। कुल 2492 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम के निर्देश के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। 301 पटवारियों को पदों पर भर्ती के आदेश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई विभागों में भर्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई खाली पदों पर भर्ती के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि गृह राजस्व और खाद्य विभाग में भर्ती होनी है। वहीं खाद्य विभाग में 301 पटवारियों की भर्ती की जानी है। और इसी बीच बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि पूरे मामले में दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। टावर रोड से घर की ओर तीन बच्चे जा रहे थे, जहां दीवार गिरने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चक्रधर्त नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। रायगढ़ से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दीवार गिरने से तीन बच्चे घायल हुए, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। रायगढ़ से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तीन बच्चे दीवार गिरने से घायल हो गए, जहां एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि बच्चे घर की ओर जा रहे थे, टॉपर रोड से अपने घर जा रहे थे, जहां दीवार गिरने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। तीन बच्चे इस पूरे मामले में घायल हुए थे, इसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। रायगढ़ से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां दो घायल बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसके बाद मौके पर ही एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। वहीं दो बच्चों का इलाज चल रहा है।